और शरद यादव के निधन पर दूर दूर से लोग उनके अंतिम दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं, चाहे उनके समर्थक हों चाहे उनके अनुयायी हों। ऐसे में शरद यादव के दामाद राजकमल राव भी शरद यादव के आवास पर हैं। यहां उन्होंने निधन पर दुख जताया और शरद यादव को याद किया। जेडीयू के पूर्व अध्यक्ष शरद यादव अब हमारे बीच नहीं रहे, इस वक्त हमारे साथ उनके दामाद जुड़े हैं। चलिए सीधा सीधा उनसे बातचीत करते हैं। सर, क्या कुछ वाकया हुआ कल रात को? कल रात को इनकी अचानक 8:30 बजे के करीब ये अपने मकान पे ही थे, इनकी तबीयत बिगड़ी, इनको अटैक आया तो इनके नर्सिंग स्टाफ ने इनको पंप किया इनका चेस्ट को, तो इनको सांस आ गया, तो इनको हम तुरंत प्रभाव से अस्पताल की ओर गुड़गांव फोर्टिस जहां पर इनका इलाज चल रहा था वहां ले गए हम। पर वहां पहुंचने से पहले ही इनको एक दोबारा से एक और अटैक आया, जो कि फिर ये 9:15 का समय बताया हॉस्पिटल ने कि आखिरी सांस इनकी 9:15 पे ली। काफ़ी समय से बीमार रहे थे शरद यादव जी? काफ़ी समय से बीमार चल रहे थे, इनको किडनी इशू था, डायलिसिस, होम डायलिसिस पे थे, तो बीमारी तो थी ही, संघर्ष कर रहे थे, अब ये वाक्या हो गया। इनका जो अंतिम संस्कार है उसको आज यहाँ पे इनके पार्थिव शरीर को रखा गया है, आगे चलकर इनको ले जाया जाएगा, क्या कुछ बताना चाहेंगे आप उसके बारे में? आज इनके अंतिम दर्शन के लिए यहाँ दिल्ली में इनके मकान 5A वेस्टर्न DLF छतरपुर पे इनका पार्थिव शरीर इनका अंतिम दर्शन के लिए कल 14 तारीख को इनको हम इनके जो गांव है होशंगाबाद में बाबई जिले में आत्मा गाँव का नाम है वहाँ पर ले जाएंगे, वहीं पर इनको दान जो अंतिम संस्कार की प्रक्रिया की जाएगी। सर, यादें बहुत सारी जुड़ी होंगी आपके उनके साथ, क्या कुछ साझा करना चाहेंगे आप हमारे साथ? देखिए मैम, यादें इतनी है कि अभी ये समय यादें गिनाने का नहीं, क्योंकि अब सब यादें ही है। थे हमारे साथ शरद यादव के दामाद, जिन्होंने हमारे साथ आगे की जानकारी साझा की, क्या कुछ होने वाला है, अंतिम संस्कार जो है उनके पार्थिव गांव में कराया जाएगा। अनुष्का गर्ग, सी मीडिया, दिल्ली।